सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। यार इंस्टाग्राम पे ना काफी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया अगर मैं मैथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करता हूँ तो क्या मेरे मैथ के अंदर 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों का है, क्योंकि जब मैं कल लाइव आया हुआ था ना, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो मेरे को लगा कि यार इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो डाउट है ना बहुत सारे बच्चों का है। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना मैं बेस्ट पर्सन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे खुद मैथ में ना 100 out of 100 आए हुए हैं। तो जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, वो कंप्लीटली जेन्युइन होंगी, और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो गाइस, आपका जो मैथ होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक मैथ, एक होता है स्टैंडर्ड मैथ, राइट? तो काफी बच्चों ने बेसिक मैथ ले रखा होगा एंड वहीं पे काफी बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा होगा। तो सबसे पहले ना मैं बेसिक मैथ वाले बच्चों की बात करता हूँ। जिन जिन बच्चों ने बेसिक मैथ ले रखा है, क्या उनके लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है? तो बिल्कुल यस, जी हाँ, बिल्कुल सफिशियंट है। क्योंकि यार ये जो बेसिक मैथ वाला पेपर होता है ना, इसके सभी के सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी ही अच्छे से कर ली, और आपको पता है बेसिक मैथ में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इजिली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बेसिक मैथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपको एनसीईआरटी ना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी ऐसे घोट के पी जाओ कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे कर लूंगा, ठीक है? ये जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना कि मैं एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा, तब जाके आपके बेसिक मैथ में 95 प्लस आएंगे। तो बेसिक मैथ वाले बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को टच करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल पेपर आएगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी वाले होंगे, ठीक है? आपकी थोड़ी सी भी स्टेटमेंट इधर उधर नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा के आपके फाइनल पेपर के अंदर आने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को टच करने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों की। तो यार बहुत सारे बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ होता है, एंड स्टैंडर्ड मैथ का जो फाइनल पेपर आता है ना वो बेसिक मैथ से ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ वाले पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें ना बाहर से भी पूछ ली जाती है। बाहर का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेंगे, बाहर का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है ना वो खुद से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठाए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका कंसेप्ट सेम होगा लेकिन स्टेटमेंट चेंज होगी। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड मत होना। एनसीईआरटी के साथ साथ आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। एनसीईआरटी के अंदर है ना लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी करते हो तो आप स्टैंडर्ड मैथ के अंदर 80 नंबर ले लोगे, लेकिन अगर आपको 95 प्लस लेने ना स्टैंडर्ड मैथ के अंदर, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर लेनी चाहिए, ठीक है? अब रेफरेंस बुक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया ने रेफरेंस बुक बोली है, इसका मतलब या तो मैं आरडी शर्मा ले लेता हूं या आरएस अग्रवाल ले लेता हूं। तो गाइज अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर आप अभी से आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल करना शुरू करोगे तो क्या आप 2.5 महीने के अंदर आरडी शर्मा कर पाओगे? कंप्लीट हो जाएगी आपसे? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, इतनी मोटी किताब है, नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है? तो अभी के टाइम आपको मैं ये कहूंगा कि ना आप आरडी शर्मा करो ना आप आरएस अग्रवाल करो, वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो इतनी मोटी किताब है, वो अभी करने लगोगे आपके पेपर तक वो कंप्लीट होगी ही नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, उसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन का ना सैंपल पेपर ले लो। सैंपल पेपर मार्केट के अंदर बहुत सारे पब्लिकेशंस के अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरे पास एडुकार्ट का सैंपल पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है सैंपल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है? तो एडुकार्ट का सैंपल पेपर है, मार्केट के अंदर बहुत सारे सैंपल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जिस भी पब्लिकेशन का आपको लेना है उस पब्लिकेशन का आप ले सकते हो, ठीक है? लेकिन मेरे पास यहाँ पे एडुकार्ट का है, इसलिए और ये मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? जो चीज मैंने पढ़ी है सिर्फ मैं वही रेकमेंड करूंगा, जो चीज मैंने पढ़ी नहीं वो मैं कैसे रेकमेंड कर सकता हूँ, राइट? तो ये अच्छे से मैंने पढ़ी है और मेरे को काफी अच्छी लगी, और इसके अंदर आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्योंकि आपको पता है इस साल आपका जो पेपर का पैटर्न है ना वो चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप एडुकार्ट का सैंपल पेपर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल करने लगोगे ना, तो आरडी शर्मा के अंदर आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दे ही नहीं रखे। ये मैं मानता हूं आरडी शर्मा के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लेकिन वो उसकी कमी भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से वो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। और ये देखो सैंपल पेपर, देखो कितनी पतली सी किताब आपको दिख रही हो शायद, ठीक है? बहुत पतली सी किताब है, इसके अंदर शायद 200 के आसपास पेज है। तो आप 2.5 महीने के अंदर ये पूरी की पूरी बुक सोल्व कर पाओगे, और ये इसके अंदर सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो समझ आया आपको?
अगर आप स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या करना है, सैंपल पेपर करने। क्यों? सैंपल पेपर करने से आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको सैंपल पेपर मान लो आपने खरीद लिया, सैंपल पेपर को आप सोल्व कैसे करोगे। मान लो आपने एक सैंपल पेपर इसमें से चूज कर लिया कि मैं आज ये वाला सैंपल पेपर सोल्व करूंगा, तो आपको ना इस तरीके से सैंपल पेपर को सोल्व करना है, ये सोच के सोल्व करना है कि आप फाइनल पेपर के अंदर ही बैठे हो। एक अपनी ना सेटिंग बनानी है, मान के चलो आप 3 बजे स्कूल से घर आते हो, ठीक है, 3 बजे से लेके 7 बजे तक आपका अगर ट्यूशन है ट्यूशन अटेंड करो, जो करना है वो करो, आपके पास 4 घंटे हैं। 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो करना है वो करो, 7 से लेके 8 बजे के बीच में अपना डिनर कर लो। हालांकि डिनर करने में 10 मिनट लगती हैं, ठीक है, 1 घंटा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में अपना डिनर कर लेना। 8 बजे अपना ना बैठ जाना पढ़ने, 8 से लेके 11 बजे तक 3 घंटे आपके पास, ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपको इसका एक सैंपल पेपर सोल्व करना है, और ऐसे सोल्व करना है, ये सोच के सोल्व करना है कि आप फाइनल पेपर सोल्व कर रहे हो, ठीक है। अपनी से एक सीटिंग बनानी है, फाइनल पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते, तो आपको उन 3 घंटे के अंदर कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना। आपका फाइनल पेपर के अंदर आपको वॉशरूम भी जाने नहीं देते, पानी पीने भी जाने नहीं देते, तो उसी तरीके से अपनी वाटर बॉटल ना अपने पास लेके बैठना, ठीक है। तो मतलब ऐसे सोचना क्या फाइनल पेपर दे रहे हो, तो 3 घंटे के अंदर आपको ये ट्राई करना है कि वो 3 घंटे के अंदर पेपर सोल्व नहीं करना, आपको 2.5 घंटे के अंदर पेपर सोल्व करना है, और जो लास्ट का आधा घंटा बचा होगा उसके अंदर आपको अच्छे से पूरे पेपर को रिवाइज करना है, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद इसके अंदर है ना सारे के सारे सैंपल पेपर सोल्ड है, ठीक है, तो आप इसके अंदर देख पाओगे अपने आपने जो पेपर सोल्व किया होगा उसको आप एनालाइज भी कर पाओगे कि आपकी कहां कहां पे मिस्टेक थी। एनालाइज करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई थी, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। और इसका देखो मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, आपको ना 3 साइन का यूज करना है। एक होता है आपका टिक वाला साइन, एक होता है आपका सर्कल वाला साइन, एक होता है आपका क्रॉस वाला साइन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। आप जब एनालाइज करोगे ना तो जो क्वेश्चन आपका एक बारी में ही सोल्व हो गया था और बिल्कुल आपका ठीक सोल्व हुआ है उस पर आप टिक लगा देना, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आपके ना थोड़ा सा मतलब सोल्व तो हो गए लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ा, जो थोड़ा सा मुश्किल से सोल्व हुए उन क्वेश्चन पे सर्कल लगा देना, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ही नहीं हुए उन क्वेश्चन पे क्रॉस लगा देना। ये क्यों लगाना है, जब आप फाइनल पेपर आपके बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके होंगे ना तब आप इसी बुक में से रिवाइज करोगे, राइट। तो जब आपके फाइनल पेपर आ चुके होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी बुक को दोबारा सोल्व करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। उस टाइम ये जो आपने निशान लगाए ना ये आपकी हेल्प करेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनल के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व करो। उस टाइम आपने ये जो निशान लगाए हैं आपने ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे से पहले भी है ना हो गया था, है ना, तो आप उस पर दोबारा टाइम वेस्ट करोगे नहीं, आप सिर्फ उस टाइम वही क्वेश्चन पे ध्यान लगाओगे जिन पे आपने सर्कल और क्रॉस लगा रखा है। क्लियर गाइस, आया समझ? तो स्टैंडर्ड मैथ वाले को बच्चों को शायद समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आपको अच्छे से एनसीईआरटी करनी है और आपको सैंपल पेपर करना है, दैट्स इट। और जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ है उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी। आई जी समझ गाइस? तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि काश मैं बेसिक मैथ ले लेता, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक मैथ लेने वालों को काफ़ी डिसएडवांटेज भी होती है और जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ होता है ना उनको बहुत सारी एडवांटेज भी होती है। तो आपको ऐसे अपना मन छोटा नहीं करना कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्यों मैंने स्टैंडर्ड मैथ ले लिया, ऐसे मत सोचो। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ लिया ना उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अपना मन छोटा नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी टाइप की जो हेल्पफुल वीडियो है ना गाइड करने वाली वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और गाइज प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ना ये आपको कैसे लगी। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।